हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टडी ऑफ साउंड कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम वेलोसिटी ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो सिर्फ मीडियम पे डिपेंड करता है, राइट। यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ, राइट, अगर मैं पानी के अंदर बात कर रहा हूँ तो स्पीड अलग रहेगी साउंड की। अगर मैं एयर में लाइक नॉर्मल रूम में बैठ के बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे अलग रहेगी, राइट। मेटल में से जब साउंड जाएगा तो अलग रहेगी, राइट। तो मीडियम पे ही डिपेंड करता है, मीडियम का प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, अदरवाइज स्पीड ऑफ साउंड इज कॉन्स्टेंट इन दैट गिवन मीडियम। अगर एक कॉपर का रॉड ले लिया जाए तो स्पीड ऑफ साउंड उसमें सेम रहेगा। आप उस कॉपर के रॉड में जोर से मारो, धीरे से मारो, अलग फ्रीक्वेंसी का आवाज बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन अगर वो कॉपर की रॉड है तो इन ऑल केसेस स्पीड ऑफ साउंड विल बी सेम इन कॉपर का रॉड, स्पीड ऑफ साउंड विल बी सेम इन लिक्विड। मैं जोर से बात करूं, धीरे से बात करूं, फ्रीक्वेंसी अलग निकालू, राइट, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। साउंड मान लो टाइगर ने रोर किया पानी के अंदर, या किसी कोयल बर्ड ने किया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनकी फ्रीक्वेंसीज अलग रहेंगे, इंटेंसिटीज अलग रहेंगे, लेकिन स्पीड ऑफ साउंड मीडियम पे डिपेंड करता है। ये सब लोग अगर पानी में चिल्ला रहे हैं तो सेम स्पीड से जाएगा, अगर एयर में है तो सेम। एयर में सेम है, आपको पता है एयर में लगभग 330 से 350, राइट, टेम्परेचर और बाकी कंडीशंस पे वेरी होता है, बट लगभग 330 से 350 मीटर पर सेकंड स्पीड होता है साउंड का। फिर वो साउंड ट्रेन का व्हिसल हो या फिर गाड़ी का हॉर्न हो, टाइगर रोर किया जंगल में, कोई भी हो, उतना ही जाएगा, राइट। मीडियम पे डिपेंड करता है, गिवन मीडियम पे कांस्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट चीज, राइट। बहुत बार हम देखते हैं v = f λ, अरे वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, वो फॉर्मूला है, वो उनके रिलेशनशिप है, बट डिपेंड मीडियम पे ही करता है। टू बी प्रिसाइज, इलास्टिक एंड इनर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम, वो जाने दो, ठीक है। द डिस्टेंस, इसको डिफाइन कैसे करोगे आप, कुछ नहीं। डिस्टेंस कवर्ड बाय पॉइंट ऑन द वेव इन यूनिट टाइम। वेलोसिटी पहले भी वही था, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम अभी भी वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि भाई ट्रैवल कौन कर रहा है, ट्रैवल कौन कर रहा है, क्योंकि बाकी जगह पे ठीक है, मैं दौड़ रहा हूं, मेरी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि मैं एक घंटे में 10 किलोमीटर दूर जाता हूं, मैं जाता हूं फिजिकली दूर। यहाँ पे कौन जा रहा है, यहाँ पे मैंने अभी अभी बोला था कि भाई ये पार्टिकल तो अपनी जगह नहीं छोड़ता है, ये तो इधर ही रहता है, पासिंग द पार्सल का गेम चल रहा है ना। पिछले वीडियो में हमने समझा हाउस आर साउंड ट्रेवल्स, पासिंग द पार्सल का गेम खेलते रहते ये लोग, तो फिर कैसे, फिर कैसे, राइट। तो फिर एक कोई भी पॉइंट अज्यूम करना है आपको। आपको मान लो यहाँ पे कंप्रेशन है, राइट, ये t = 0 में यहाँ पे कंप्रेशन था, यानी जब आपने गिनना शुरू किया वो टाइम पे यहां पे था। फिर आप देख रहे हो कि दूसरा कंप्रेशन जो है वो पहले एक ही था, राइट, पहले यहां पे शुरू हुआ, आपने t = 0 में एक को देखा, फिर आपने देखा दूसरा कंप्रेशन कितने टाइम पे आया, आपको लगा कि 1 सेकंड के बाद आया, तो आप क्या बोलोगे, इतना डिस्टेंस जो है उसने 1 सेकंड में कवर किया। इसको हमने क्या डिफाइन किया था, वेवलेंथ, राइट। तो इतना डिस्टेंस जो भी है वेवलेंथ के बराबर का वो उसने 1 सेकंड में किया, तो आप बोलोगे दिस लैम्ब्डा अपॉन 1 इज द वेलोसिटी, करेक्ट, करेक्ट। और इस चीज को क्या बोलते हैं, टाइम टेकन, राइट। यहां से पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने को, दो कंप्रेशन पकड़ लो या फिर ये पूरा साइकिल पकड़ लो, या फिर कंप्रेशन टू कंप्रेशन भी उतना ही आएगा ना, एक साइकिल आएगा ये पूरा, तो एक साइकिल पूरा कंप्लीट करने को जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, और वो जो डिस्टेंस होता है एक साइकिल का वो होता है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड भी तो स्पीड ऑफ साउंड ही हुआ ना, स्पीड ऑफ साउंड ही हुआ ना, करेक्ट, राइट। तो यहां पे ट्रैवल कौन करता है, जब हम साउंड की बात कर रहे हैं तो कौन ट्रैवल कर रहा है। हमने अभी एक पॉइंट अज्यूम कर लिया, हमने एक पर्टिकुलर फेज देख ली, हमने ये कर लिया मान लो, या फिर रेयर फ्रैक्शन टू रेयर फ्रैक्शन भी ले सकते हो आप, राइट, कोई भी सेम सिचुएशन वाले दो पॉइंट लो, एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करो, और एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो टाइम लगेगा वेवलेंथ से डिवाइडेड बाय वो स्पीड ऑफ साउंड हो गई, राइट। बट यहां पे ट्रैवल कौन कर रहा है, यहां पे ट्रैवल हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, डिस्टर्बेंस कर रहा है। तो क्या मैं वेलोसिटी का डेफिनेशन ऐसे भी बोल सकता हूं, वेलोसिटी इज टाइम टेकन बाय डिस्टर्बेंस
टाइम टेकन बाय डिस्टरबेंस टू ट्रैवल सम डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय डिस्टरबेंस पर यूनिट टाइम। क्या ऐसे बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो वेलोसिटी को डिफाइन करने का एक तरीका यह भी है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय डिस्टरबेंस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय और कवर्ड बाय डिस्टरबेंस पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम पे एक सेकंड, अगर आप मीटर पर सेकंड कर रहे हो तो एक सेकंड में कितना मीटर डिस्टरबेंस चला गया, दैट इज योर वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, तो ऐसा ही है। ये क्वेश्चन देख लो, अगर व्हाट इफ टू डिफरेंट साउंड्स, राइट, व्हाट इफ टू डिफरेंट साउंड्स, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले पकड़ लो। मान लो एक कोयल बर्ड एकदम हाई पिच साउंड क्रिएट कर रही है और मान लो एक लायन रोर कर रहा है जंगल में, दोनों एक ही मीडियम पे है, एयर में है, तो क्या उनका स्पीड कैसे रहेगा? दे इफ दे ट्रैवल इन सेम मीडियम, दोनों एयर में है, दोनों जंगल में आजू बाजू खड़े हैं, सब फिजिकल कंडीशन सेम है, टेम्परेचर सेम है, डेंसिटी सेम है, सब कुछ सेम है, तो कोयल और लायन का बर्ड इनका सेम रहता है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो आपको पता है वही है 330 और 350 के बीच में सेम ही है, कोई भी आवाज क्रिएट किए। अगेन फिर से, स्पीड डिपेंड्स ओनली ऑन मीडियम, ठीक है, नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी, नॉट ऑन इंटेंसिटी, नॉट ऑन लाउडनेस, नथिंग नथिंग, ओनली मीडियम। हाँ, बट एक माइनर वेरिएशन होता है, ज्यादा नहीं, एक माइनर वेरिएशन होता है टेम्परेचर के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर, मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर। तो टेम्परेचर अगर बढ़ा दूं मैं तो स्पीड क्या होता है, बढ़ता है। तो समर में जो रहेगा, अगर विंटर में स्पीड ऑफ साउंड मान लो 330 है तो समर में कुछ नहीं, समर में 335 या 340 रहेगा, राइट। ये फॉर्मूला है, रूट टी के हिसाब से वेरी होगा, वी इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी, डेंसिटी ऑफ मीडियम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, वो रो है, डेंसिटी है, राइट। वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो आप डाल दो फॉर्मूले में, कर दो रीअरेंज, तो मॉलिक्यूलर वेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जनरली कैसा होता है, जो सॉलिड्स है, मेटल हो गया, सॉलिड्स है, उनमें ज्यादा होता है स्पीड, है ना, थोड़ा अलग लग रहा है ना, ऐसा लगता है कि मेटल तो एकदम कॉम्पैक्ट है, मेटल तो ऐसा एकदम थिक, ऐसा बहुत ही डेंस है, उसमें से साउंड को तकलीफ होनी चाहिए पहुंचने को, लेकिन स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन मेटल्स, सॉलिड्स, फिर लिक्विड, और स्पीड ऑफ साउंड इज लीस्ट इन एयर, एयर और गैसेस, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो में यहीं पे रुक जाते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ बोलना है कमेंट्स है, कुछ रॉन्ग हुआ तो कमेंट में लिखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।